अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ घर में हम लोग नाइफ, सीजर्स, कटर किस तरीके से इसको हम तेज करेंगे और किस तरीके से हम इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। यहाँ पे मैं दो रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दो स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इसको नीट एंड क्लीन करेंगे और बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे ये बाइट से अभी आपने बाय की है, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। सेकंड स्टेप में हम इसको तेज करने का तरीका बताएंगे आपको, ठीक है? तो दोनों स्टेप्स के साथ आप लोगों के घर में नाइफ, सीजर सब हो जाएंगे बिल्कुल जबरदस्त सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। सबसे पहले हमने कोई सी भी पेस्ट ले लेनी है और आपने क्या करना है, मैंने ना इनकी दोनों साइड्स पे, जो नाइफ है ना, इनके दोनों साइड्स पे इस तरह से डॉट डॉट में करके ना सबको लगा देनी है। बहुत थोड़े थोड़े, मतलब दो दो डॉट्स पे हम सब तरह लगा देंगे और इसको हाथों से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर पानी नहीं लगना चाहिए, जस्ट हाथों पे हमने अच्छे तरीके से पेस्ट की लेयर लगा देनी है और हमने किसी भी चीज में इसको रख देना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए या 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है बिल्कुल इसी तरीके से, इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगी रहे। इससे क्या होगा, इसका जो भी मैल कुचैल है वो तकरीबन 80% तक रिमूव होने के लिए रेडी होगा। हम हल्का सा रब करेंगे ना तो ये जल्दी से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबको लगा के रख दिया है, तकरीबन आधा घंटा जो है ना इसको लगा के जरूर छोड़ना है। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, इस पर पानी डाल देना है। ये हल्का सा नीम गुनगुना गर्म पानी है, तकरीबन 2.5 कप, और इसके अंदर हमने यहाँ पे 1/3 कप जो है, 1/4 कप या 1/3 कप तक इसमें सिरका ऐड कर दिया है। और साथ में हम यहाँ पर सोडा ऐड कर रहे हैं, बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं। तो ये तकरीबन जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर, ठीक है, 1.5 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, क्योंकि जितनी नाइफ और सीजर है उस हिसाब से आप लोग क्वांटिटी कम और ज्यादा कर लें। सिरका और जब बेकिंग सोडा रिएक्शन करता है तो बहुत जबरदस्त सा केमिकल बनता है, इससे बहुत अच्छी नीटनेस आती है। बहुत ज्यादा चीजें जो है ना साफ सुथरी होने में बहुत आसानी से काम करते हैं ये। तो हमने यहाँ पर इसके अंदर भिगो कर इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक छोड़ देना है। इसी तरीके से इसी पानी में इसको डिप रहने देना, चाहे वो सीजर्स हैं, चाहे वो नाइफ हैं, चाहे वो कटर्स हैं, तो इनको हमने छोड़ देना है। उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद जो है ना, हल्के से इस तरह से स्टील के साथ आप लोग रब करेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बहुत जबरदस्त ऐसे लगेगा जैसे अभी आप लोग बाइट से बाय करके लेकर आए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, सीजर इतनी ज्यादा उस पर जंग लगा हुआ था, अक्सर पानी जो होता है वो खराब होता है जिसकी वजह से जंग लग जाता है अक्सर चीजों पे, चाहे वो घर की कोई भी ऐसी चीज हो, जैसे पेटी अक्सर घरों में होती है या आटे वाली पेटी होती है, इस तरह की कोई भी चीज है जिसको आप लोग जंग वगैरह रिमूव करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी जरूर आजमा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने अभी हल्का हल्का रब किया, आप देखे कितनी जबरदस्त चमक जाती है चीज ना। तो इसके बाद जो है हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ये पानी रिमूव कर देना है, इसको पानी में से निकाल लेना है और हम लोग साफ पानी में जो है ना इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। सारी नाइफ्स को कटर भी है इसके अंदर, कटर भी आप लोग ले लें, जो भी चीज को आपको वॉश और तेज करना है। तो यहाँ पर सारी मैंने फैला ली है और पानी से, सादे पानी से जो है ना इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ये देखिए कितनी साफ नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें करना है इसको तेज, इस तरह का कटर मिलता है जो कि इजीली मिल जाता है बाजार से, तो वो ये क्या होता है, बहुत शार्प होता है, चीजें कटिंग करने के लिए यूज होता है। हमने क्या करना है, नाइफ लेनी है, उसको तिरछा करना है और इस तरीके से ना हमने जोर जोर से तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए ना एक साइड को फिर दूसरी साइड को इस तरीके से हमने रब करना है। इससे क्या होगा, नाइफ या सीजर होगा, कटर होगा, कोई भी होगा ना, वो अच्छा खासा बहुत अच्छे से तेज हो जाएगा। और आप लोग ये इस तरह से आप लोग वीक में एक बार कर सकते हैं। ये वाला स्टेप जो मैं सेकेंड स्टेप बता रही हूँ, फर्स्ट स्टेप तो आप लोग ने नीट कर लिया ना, उसके बाद तो जब जरूरत पड़े आप लोग नीट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेप को आप लोग इस तरीके से जो है ना इजीली रब करते जाएंगे ना, तकरीबन दोनों साइडों से 1 मिनट तक रब करना होगा। तो देखिए टिश्यू से साफ कर लिया, तो मैं आपको दिखाऊं कितनी नीट एंड क्लीन और ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम लोगों ने ये नाइफ जो है ना बाय की है। तेज भी हो गई है, नीट एंड क्लीन भी हो गई है। आप लोग इस तरह से घर की किसी भी चीज को, जो स्टील वगैरह की चीज होती है ना, इन चीजों को साफ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जो है ना ये नाइफ वगैरह तेज हो जाती है। सीजर होती है अक्सर कपड़ा कटिंग करने के लिए, वो तेज नहीं रहती है। तो आप लोग इस रेमेडी को जरूर आजमा सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू रेमेडीज के साथ। अल्लाह हाफिज।